सेशन फाइव हम आज स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है हमारे पास वर्ड ऑनलाइन। अच्छा माइक्रोसॉफ्ट, आपको पता है कि एक ऑनलाइन भी आपको वर्जन दे रहा होता है और आपको डेस्कटॉप भी वर्जन दे रहा होता है। हम जो करंटली लास्ट सेशन में, जो हम सेशन 1, 2, 3, 4 में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था ऑफिस 65 प्रो प्लस। ऑफिस 65 प्रो प्लस हमने इंस्टॉल करा था। ऑफिस 65 प्रो प्लस और नॉर्मल ऑफिस में फ़र्क है। ऑब्वियसली ऑफिस 65 के अंदर जो भी नए नए फीचर्स वर्ड के आ रहे होते हैं, वो रोल ओवर हो रहे होते हैं, वो सारे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है, ऑफिस 65 सब्सक्रिप्शन प्लान होता है जो कि आप बाई कर दें। हमने पिछले सेशन में इसको डिस्कस करा था। नाउ वी हैव टू एसेस जो है ना वर्ड ऑनलाइन, इसके लिए हम अपने ऑफिस 65 पे चले आते हैं। और ऑफिस 65 पे जाने के बाद आपने क्लिक करा एप्स के ऊपर, एप्स लॉन्चर के ऊपर, एंड नाउ यू क्लिक ऑन वर्ड। नाउ क्लिक ऑन न्यू डॉक्यूमेंट। और साथ साथ में मैंने यहाँ पे ऑफिस 65 प्रो प्लस का एक वर्ड ऑनलाइन एक खोला हुआ, एक तरफ एक साइड पे आप वर्ड ऑनलाइन देख रहे हैं और ये ऑफिस 365 प्रो प्लस का डेस्कटॉप वर्जन देख रहे हैं। क्लियर है? ये क्या है? डेस्कटॉप है। और ये चीज़ आपके पास क्या है? आपके पास ऑनलाइन है। आपने क्लिक करा न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर, ठीक है। आपने जब न्यू डॉक्यूमेंट में क्लिक करा तो ये ऑफिस ऑनलाइन का एनवायरनमेंट आ रहा है, और अगर आप डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ के बाद डेस्कटॉप का एनवायरनमेंट आ रहा है। फर्स्ट टाइम में जो यूज़र आता है, जो कि फर्स्ट टाइम वर्ड ऑनलाइन को खोलता है, तो वो क्या चेक करता है? वो कहता है ये क्या, इसमें तो ऑप्शंस कम आ रहे हैं। ऑप्शंस ऑब्वियसली कम हैं, ऑप्शंस तो कम हैं, लेकिन ऑप्शंस के अंदर आपके पास यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन आ रहा है कि सिंप्लीफाइड रिबन। क्या आ रहा है? सिंप्लीफाइड रिबन। आप इसको क्लिक कर लेंगे तो ये टैब फॉर्म में आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो देखें आपके पास बिल्कुल वही वाला इन्वायरमेंट आ गया कि जो आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं। ये इसलिए होता है आपके पास कि अगर आपको स्क्रीन ज़्यादा चाहिए, अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं टैबलेट के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि ऑफिस 65 की जितनी भी चीज़ें हैं या वर्ड हैं ये एप्स हैं, ये अलग से आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें अगर आप ऑफिस ऑनलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप सिंप्लीफाइड व्यू को ऑन कर लें। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे जो फ़र्क आ रहा है हमारे पास, ये टैब्स का फ़र्क आ रहा है। इसमें टैब ज़्यादा हैं, इसमें हमारे पास टैब्स जो हैं वो ऑब्वियसली कम है। हमारे पास ऑप्शन क्या आ रहे हैं? हमारे पास कम आ रहे हैं। अब आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं क्या है, आप डॉक्यूमेंट तो बना रहे हैं। सबसे अच्छी बात जो ऑफिस 65 की वर्ड ऑनलाइन की है, वो ऑटो सेव होता है। आपका डॉक्यूमेंट जो है वो क्या हो रहा है, ऑनलाइन क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। आपने क्लिक करा, यहाँ पे नाम भी देना चाहें, आपने कहा कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एजुकेशन। ठीक है, ये मैंने अपने डॉक्यूमेंट को नाम भी दे दिया, फाइल ऑटो सेव हो रही है हमारे पास। आप इसमें तमाम काम कर रहे हैं कि जो नॉर्मली आप काम करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक करा फ्री, इसके अलावा जो भी पिक्चर विक्चर आपको इंसर्ट करनी है, आप पिक्चर फ्रॉम ऑनलाइन करना है आपको या पिक्चर करनी है, आपने क्लिक करा पिक्चर ब्रॉस। रिमेंबर कि आप कहीं से भी पिक्स को आप डाल सकते हैं। मैंने क्लिक करा इसी तरीके से मैं क्लिक करता हूँ इंसर्ट में, दोबारा जा रहा हूँ मैं, और मैं यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर भी कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई क्लिक ऑन बर्ड्स, तो आपका ऑनलाइन पे काम हो रहा है। तो ऑनलाइन आपको जो भी जरूरत पड़ी आपने क्लिक करा ऑनलाइन डाल दिया। ये काम आप बाय द वे वर्ड में भी, वर्ड डेस्कटॉप वर्जन में भी कर रहे होते हैं, आप इंसर्ट में आके कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा वी आर नॉट हेयर कि हम के हमें काम करना है, वर्ड सीखना है, वर्ड पे काम करना है। ठीक है, वर्ड पे आप लोग मॉस ट्रेनिंग भी चल रही है आप लोग में से ज़्यादा स्टूडेंट्स की,
आपको बेसिकली देखना है क्या कि जो वर्ड ऑनलाइन है, जो ऑफिस 365 उसमें नए फीचर्स क्या हैं हमारे पास, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करना आना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक डेस्कटॉप वर्जन के ऊपर हूँ, आई एम ऑन डेस्कटॉप वर्जन एंड आई क्लिक ऑन, आई रेंडमली जनरेट 3 पैराग्राफ्स। मैंने यहाँ पे भी पैराग्राफ्स बना लिए, मैंने यहाँ पे भी कुछ डॉक्यूमेंट में टाइप कर लिए और कुछ पिक्चर्स जो है ना वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिए। क्लियर है? अगर आप यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन में टॉगलिंग करें तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे व्यू आ रहा है आपके पास, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? व्यू। व्यू में अगर आप जाएं तो आपके पास आ रहा है इंप्रेसिव रीडर। ठीक है, इंप्रेसिव रीडर जो है हमारे पास क्या है, जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ना ये पढ़ेगा। ऑब्वियसली ये फ्रेंच में लिखा हुआ है, मैं इसको स्केप करता हूँ और मैं एक इंग्लिश टाइप इंग्लिश ले लेता हूँ ताकि हमें समझ में आए कि क्या बोल रहा है। ठीक है, मैंने इंग्लिश टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर लिया। अब मैं फिर इंप्रेसिव रीडर पे आता हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा ये क्या काम कर रहा है। फर्स्ट टाइम में यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसको प्ले करो। क्या करो? प्ले करो। आप प्ले करेंगे तो ये इसको पढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव करना है तो वो क्लिक करके भी पढ़ सकता है। क्लिक करें, Video provides a powerful way to देखना help है ये improve वर्ड your टू वर्ड point. पूरा पढ़ रहा है। When you click online video, you can paste in the embed code for the video you. अब मैं स्टॉप कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑप्शंस भी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा कि आपको मेल में चाहिए या फीमेल में चाहिए। ठीक है, ये भी है। और आपके पास जो है ना वॉइस स्पीड भी आ रही है कि आप आराम आराम से सुनना चाह रहे हैं या तेज तेज सुनना चाह रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर मौजूद है। तो ये बड़ा देखें, ये चीज़ें आसान हो जाती है। कितनी आसान हो जा रही है कि आपकी जो एमएस ऑफिस है, वर्ल्ड है खास तौर पर, उसने डॉक्यूमेंटेशन नहीं, उसकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग के अंदर भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करा है। अब वो खास तौर पर वो जो डिसेबल चाइल्ड होते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्लिक कर लें, पढ़ लें डॉक्यूमेंट में क्या है। अब ये आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है अगर आप देखें यहाँ पे तो मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करें रीडिंग प्रेफरेंस के अंदर। ठीक है, रीडिंग प्रेफरेंस बहुत अच्छा है हमारे पास। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं कि लाइन वाइज पढ़ने, आपको लाइन फोकस करके पढ़ने, आपको क्लियर है? लाइन फोकस को ऑन करने का मतलब है कि देखें जिस लाइन को पढ़ रहा होगा वो फोकस हो रही होगी। तो ये भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है हमारे पास जो है। तो मैंने इसको फिलहाल अभी ऑफ कर लिया। मैंने कहा वर्ड टू वर्ड पढ़ो, फोकस नहीं करो, वरना आप फोकस करवाना चाहें तो आप फोकस भी करवा सकते हैं। पिक्चर डिशर ये अगर पिक्चर है तो उसकी भी कैप्स वगैरह सब कुछ निकाल के देगा। और अगर यहाँ पे जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो आ रहा है हमारे पास जो है क्या, ट्रांसलेशन का ऑप्शन। मतलब मैं किसी भी इंग्लिश वर्ड को लैंग्वेज में पढ़ना चाहूँ, सीखना चाहूँ, जैसे मैं चाइना जा रहा हूँ, चाइना जाके मुझे चाइनीज सीखनी है, चाइनीज सीखनी है मुझे, चाइनीज सीखना मुश्किल काम है वैसे, बड़ी मेहनत करना पड़ती है चाइनीज़ के अंदर। ये और इसके अलावा ये बहुत सारे आपके पास लैंग्वेज फॉर्मेट्स दे हुए हैं, आपके पास डच वगैरह, फ्रेंच वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो आपके पास दे हुए हैं। ठीक है, तो हम क्लिक करते हैं और चाइनीज़ में चला दें सिंप्लीफाई। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है बाय वर्ड बाय डॉक्यूमेंट, मैं बाय डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, नाउ उसने इसको कन्वर्ट कर लिया पूरा। देखा कि भाई वर्ड टू वर्ड देखें, चाइना में लिख के दे, चाइना वालों से चाइना में बात कर लें आप। सही है, तो आपको देखें, आप लोग जो बड़े हैं आप लोग पता चल जाओगे कितनी जिंदगी आसान है कि मैं ट्रांसलेशन करना चाहूँ ट्रांसलेशन कर सकती हूँ, पढ़ना चाहूँ सीखना चाहूँ, आई कैन डू एट माई ओन। दिस इज द थिंग कि आपके पास सबसे आसान चीज़ ये है कि आप यहाँ पे जाते हैं और आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना सीखना चाहते हैं, ये आप कर सकते हैं। आपने फॉर एग्जाम्पल क्लिक करा डॉक्यूमेंट को हटा दें तो अब आपके पास क्लिक करना, आपके पास यू वांट टू ऐड, यू कैन आल्सो टाइप अ ठीक है, आपके पास प्रेफरेंस में जाएं, ये वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा है, आपके पास ट्रांसलेशन करनी है तो मैं डॉक्यूमेंट में चला आता हूँ।
डिफरेंस वॉज डेट के आप ट्रांसलेशन एक्टिव कर लेते हैं, ट्रांसलेशन को एक्टिव करना चाहें तो आप एक्टिव कर सकते हैं, आपको बस यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और ट्रांसलेशन की लैंग्वेज लेना पड़ेगी। क्लियर है याद है सबको? अच्छा, लाइन फोकस था, पिक्चर इशू था, ट्रांसलेशन हम जो आए थे दो काम की नहीं आ रहे। बेसिकली मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं दो चीज़ों के बड़ा इस्तेमाल कर रहा था उसको, कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट के अगर मुझे लिस्निंग करवानी है तो आई कैन यूज़ इम्प्रेसिव रीडर, और सेकेंडली जो है ना मैं ट्रांसलेशन करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं ये ऑप्शन जो है ना वो इस्तेमाल कर सकता हूँ। ले रहे तो मैं क्लिक करता हूँ क्लोज, बैक आ गया मेरे पास। तो आप ये देखें ना कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन जो है ना वो आ रहे हैं आपके पास ऑप्शन कि आप ये काम कर सकते हैं। बाकी जो वर्ड काम करते आ रहे हैं तो उनको आसानी है कि आपके पास कोई भी काम करना चाहते हैं वो करते आ रहे हैं नॉर्मल वर्ड के अंदर। लेकिन बेसिकली हम देख रहे हैं कि जो ऑफिस 365 प्रो प्लस के अंदर ऑप्शन क्या है नए, और ऑफिस ऑनलाइन के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस जो है ना। हम वापस यहाँ पे जाते हैं कहाँ पे, वन ड्राइव के अंदर। कहाँ पे आते हैं? वन ड्राइव के अंदर। जितने भी डॉक्यूमेंट पे आपने काम करा होता है वो आपके पास वन ड्राइव में आ रहे होते हैं। देखे ना, आपने एजुकेशन पे काम करा, आपने एजुकेशन पे काम किया, आपने इसको ओपन करा, आपके पास वही डॉक्यूमेंट खुला हुआ आ गया। अच्छा, सेकेंडली एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, एडिट इन अ वर्ड। आपने थोड़ा काम यहाँ पे करा और आप उसको डेस्कटॉप पे लेके चले गए, आप क्लिक करें, मैं इसको दोबारा से क्लिक करता हूं। ठीक है, अगर रुक जाए तो कोई मसला नहीं, दोबारा क्लिक कर लेगा ताकि आ जाए। ये आप काम अपने काम पे किया था, ऑनलाइन पे किया था, वर्ड ऑनलाइन के ऊपर आप डेस्कटॉप पे लेकर आ गए ताकि आप काम कर सकें। क्लियर है? वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि वर्ड ऑनलाइन इसलिए कि आपको थोड़ा बहुत काम करना है, एडिटिंग करवानी है तो उसके लिए सही है, लेकिन लॉन्ग डॉक्यूमेंट पे काम करना होगा तो आप इस पे काम कर रहे होंगे। और अगर आपके पास लेटेस्ट रिलीज वर्जन ऑफिस 365 का तो यू हैव ऑल द फीचर्स ऑलमोस्ट हियर। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है आपके पास। एक और चीज़ जो ऑनलाइन के अंदर होती है हमारे पास कि जब आप काम कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, आई साइन इन अगेन। अच्छा, मैं अपने दोनों अकाउंट्स को साइन इन कर लेता हूँ। ये जो मेरा डॉक्यूमेंट था जिसका नाम एजुकेशन था, इसको मैंने वर्ड ऑनलाइन पे बनाया, और ऑनलाइन के बनाने के बाद हम इसको कहाँ पे लेके चले गए, ऑफिस 365 प्रो प्लस के ऊपर, वहाँ पे जाके हमें जो भी एडिटिंग करना चाहे हम कर सकते हैं। एक और चीज़ जो हम ऑनलाइन बड़ा इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो होता है शेयर का ऑप्शन। लास्ट टाइम हमने इसको शेयर का ऑप्शन को डिस्कस करा था कि अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं इसको एज अ लिंक के तौर पर, ठीक है, आउटलुक पे शेयर करना चाहते हैं, किसी को ईमेल करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जो लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि ये सब चीज़ों को आपने इस्तेमाल करा था। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप ये आपके पास परमिशंस आ रही हैं, जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि आप या तो लिंक के साथ कर लें, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर लें, या बाहर के लोगों को काम कर लें, या स्पेसिफिक पीपल को ईमेल करना चाहते हैं कर लें। ये बेसिकली परमिशन है कि आप किन किन को देना चाह रहे हैं, लिंक के थ्रू देना चाह रहे हैं, डायरेक्टली इनवाइट करना चाह रहे हैं,
और इसके अलावा अलाउ एडिटिंग करना चाह रहे हैं वो एडिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हमने तो इसी पर्पस की नहीं करने के वो अलाउड करें एडिट, तो मल्टीपल यूजर्स इसके ऊपर एडिट कर सकते हैं। एक्सपायरेशन डेट भी कर सकते हैं कि अगर मैं लिंक जनरेट कर रहा हूँ तो 10 दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। लिंक से फ़ायदा ये हुआ, अगर मैं लिंक किसी को सेंड करता हूँ और किसी के और हाथ लग गया जिसका काम नहीं है तो होगा क्या, मैं दो काम कर सकता हूँ, एक तो मैं एक्सपायरेशन भी कर सकता हूँ और आई कैन यूज़ पासवर्ड, पासवर्ड कर सकता हूँ कि जब डॉक्यूमेंट शेयर पे जाएगा तो पासवर्ड के बगैर नहीं ओपन होगा। ठीक है, ये लास्ट टाइम हमने वन ड्राइव के अंदर ही करके देखा था। ठीक है, तो वी आर नॉट डूइंग इन डिटेल अगेन, तो लेकिन आप हमेशा देखें, मैं आप जितने भी वर्कशॉप के मैं स्टूडेंट बैठे हैं ऑनलाइन भी हैं तो मैं उससे डिस्कस करूँगा कि देखें शेयर का ऑप्शन आपने वन ड्राइव में ऑप्शन किया, ये वही पूरा आ रहा है, तो आप इसको जहाँ जहाँ पे भी शेयर का ऑप्शन आ रहा है ना वहाँ पे आप करके देखें ताकि आपको पता चले वर्ड को मैंने शेयर करा वो इससे क्या हुआ, इस दूसरे के बाद क्या मैसेज हुआ। आपस में अपनी कुलीस को दोस्तों को आप करें, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन सर्कल नहीं है, हम ऑर्गेनाइजेशन को लेके बात करें, आप घर में आपने आपस में अपने कुलीस को ऑफिस 65 के अंदर आपने ईमेल कर दी, अब वो देखें वो कैसी ईमेल आई है, तो आपस में एक्सचेंजिंग करके देखें, क्योंकि अगर आप कॉलिब्रेशन वाला काम नहीं करेंगे तो आप इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, आपसे वो काम करेंगे जो एप्स का काम है कि एप्स सीख लो बस। ठीक है, तो हमें एप्स नहीं सीखना है, हमें और भी जो कॉलिब्रेशन कम्युनिकेशन वाले काम है हमें ये आना चाहिए। क्लियर, मैं इसको बंद करता हूँ। नाउ आई स्विच टू वर्ड ऑफिस 65 प्रो प्लस वर्जन। क्लियर, इसमें मैं इंसर्ट में जा रहा होता हूँ, इंसर्ट के अंदर आपके पास सबसे अच्छी चीज़ है आइकन्स आ गए हैं आपके पास, हैव बीन लोडेड। ये आइकन्स हैं जो मुख्तलिफ किस्म के आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ कि क्लिक करता हूँ ऑफिस 365 इन एजुकेशन। ठीक है, अब मैंने कहा मुझे एजुकेशन के हिसाब से आइकन डालना है, तो मैं आइकन में गया, और ये कैटेगरीज आ रही हैं सारी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एजुकेशन में चला आता हूँ और मैंने यहाँ पे एजुकेशन के हिसाब से जो आइकन मुझे चाहिए मैं वो पे यहाँ ले सकता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे क्लिक करा, मैंने कहा इसको इंसर्ट कर लें आप, सही है। तो ये आपके पास कितनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं कि आप आइकन्स भी डाल सकते हैं। देखिए आजकल बड़ा दौर हो रहा है कि ना आपने आपसे लिखा हुआ ना हो, गो गो के साथ आइकन डाला हो, या आपने कहा डायरेक्शंस है, आप आपने कहा कि दिस वे, अब दिस वे के साथ आपने आइकन डाल लिया तो आइकन मेमोराइज हो जाता है, तो इसलिए आइकन का बड़ा इस्तेमाल होता है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब जिनको वर्ड इस्तेमाल करना आता है वो उसके अंदर फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग जो भी काम करना चाहते हैं वो ही कर सकते हैं, कि इसकी कलरिंग चेंज करनी है, एडिटिंग करनी है, ये तमाम काम कर सकते हैं, छोटा बड़ा स्टाइलिंग करना चाहें, जो भी काम करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगेन आपको डेस्कटॉप के अंदर ऑफिस 365 प्रो के अंदर भी आपके पास इंप्रेसिव रीडर नज़र आ रहा है आपके पास। ठीक है, लर्निंग टूल्स में चले हैं आपके पास, यहाँ पे लर्निंग टूल के अंदर आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करता हूँ मैं रीड अलाउड का, क्या आ रहा है, रीड अलाउड। Now click on Office 365 in education. क्लियर है, तो आपको थोड़े से ज्यादा फीचर्स ऑनलाइन के ऊपर मिल रहे होते हैं, आपने क्लिक करा क्लोज लर्निंग टूल्स के ऊपर। अगेन क्या दोबारा बता दूं क्या हुआ कि आपने यहाँ पे गए व्यू के अंदर, और व्यू के अंदर आपने लर्निंग टूल पे किया। ठीक है, इंप्रेसिव के अंदर लर्निंग टूल आपके पास यहाँ पे आ रहा है, रीड अलाउड करता हूँ मैं, क्या करता हूँ, रीड अलाउड ऑफिस 365 इन एजुकेशन। क्लियर है, तो यहाँ पे आपके पास अगर आप देखें तो ऑप्शंस के अंदर तो आपके पास ये सेटिंग्स आ रही है, बस वॉइस का आ रहा है कि वॉइस कैसी है, इसकी रीडिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, वो है एज कम्पेयर टू इम्प्रेसिव फीचर जो वहाँ पे रहता है उसके अंदर उसके अंदर ट्रांसलेशन का ऑप्शन बड़ा अच्छा था, ये आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह के फीचर्स हैं, अगर आप नए वर्जन इस्तेमाल कर रहे होते हैं ऑफिस 65 का भी प्रो प्लस की नई नई चीज़ें आ रही होती हैं और आपके पास सब्सक्रिप्शन आपने ले ही हुई है
तो आपके पास उसके जितने भी नए फीचर्स आएंगे वो आपको यहाँ पे भी नज़र आएंगे। क्लियर है? तो ये छोटे छोटे से ऑप्शन आपको आने चाहिए। इसी तरह इंसर्ट में आ जाए तो 3D मॉडल्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 3D मॉडल, दिस इज़ वेरी गुड। आप क्लिक करें फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स, थ्री डी मॉडल के अंदर मैंने क्लिक करता हूँ, कैटेगरी के अंदर जो भी आपको कैटेगरी चाहिए आप उस पर क्लिक करें। क्लियर? तो आप इसको यूँ देखें, ये 3D मॉड्यूल है, ठीक है? कि आप कोई सा भी 3D मॉड्यूल डाल के दिखाना चाहते हैं, आप इलस्ट्रेशन कितनी ज़बरदस्त हो गई है कि आप देखें, जब इस तरह के मॉड्यूल डाले होंगे तो इंगेजमेंट बढ़ेगी। अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो आप लोगों को इंगेज करना चाह रहे हैं, और जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो इंगेज होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी के सामने पजल्स रखते हैं तो वो एकदम से लग जाएगा एक्टिविटी, और जब 3D टाइप के करेक्टर्स होंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने क्लिक करा एनिमल्स के ऊपर, एंड नाउ यू क्लिक ऑन द लायन, ठीक है, आपने इसको इंसर्ट कर लिया। तो आप देखें ये लॉइन एक तो 3D के अंदर आ रहा है, 3D बहुत अच्छा लग रहा है, और लेकिन जब आप उसको घुमा रहे तो बच्चा एक्चुअली वो देख रहा है वो लॉइन इस तरह से होता है, ये होता है, ये इस तरह से मूव कर रहा है। ज़बरदस्त लॉइन जब चलता होगा ऐसे चलता होगा, तो ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, इंसर्ट के अंदर डॉक्यूमेंट आइटम का। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डॉक्यूमेंट आइटम का। ये मैं वही अगेन हम उन ऑप्शन का डिस्कस कर रहे हैं जो नॉर्मल ऑफिस में नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्लिक करा डॉक्यूमेंट आइटम के ऊपर, अच्छा मेक श्योर कि हम जो है ना अपने क्लाउड से कनेक्टेड हैं। क्लाउड से कनेक्टेड का मतलब ये कि हमारा अकाउंट जो है वो हमारा जो आईडी है उससे कनेक्ट है या नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं फाइल में जाके, लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था, फाइल में जाके अकाउंट, ठीक है। अच्छा अकाउंट में गए तो ये बता रहे कि अभी सिर्फ आपके पास लो इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है, बाकी जो है आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि आपके पास अकाउंट एसोसिएट हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। तो नहीं, आप बताइए कि क्या हमारा ऑफिस का अकाउंट से एसोसिएट हुआ हुआ है, हमारा ऑफिस 65 से एसोसिएट हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। जी ये रहा, लेकिन सी दिस, ये लिखा हुआ है कि आपका ये अकाउंट इससे लिंक्ड हुआ हुआ है जो हम ऑफिस 65 का इस्तेमाल करें। ऑफिस 65 का अकाउंट को जब आप इससे एसोसिएट कर लेते हैं तो फ़ायदा क्या होता है कि आप वन ड्राइव पे सेव कर सकते हैं डायरेक्ट, क्लाउड पे सेव करना चाहते हैं तो आप क्लाउड पे सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोबारा चला जाता हूँ, गो एंड चेक आउट माई नेट कनेक्शन, ओके, फिर अगेन आई क्लिक ऑन फाइल अकाउंट, ठीक है, नाउ इट्स परफेक्ट। अब उसके बाद मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट आइटम पे जाता हूँ। इन शॉर्ट कि आपको एक चीज़ पता चली कि यहाँ पे आप ऑनलाइन होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट आइटम जो है ना वो क्लाउड से कनेक्टेड हुआ हुआ है और ये क्लाउड पे ही रह के काम कर रहा होता है। ये बोलता है कि भाई आपने कोई चीज़ डालनी है, ये क्लाउड पे जो मैंने डॉक्यूमेंट सेव करे हुए ये आ रहे हैं,
ये बता रहे कि क्या चाहिए। अगर मैंने देखे क्लाउड पे पिक्चर डाली थी, वो डॉक्यूमेंट में पिक्चर डाली हुई थी, अगर मेरे पास 50 डॉक्यूमेंट सेव हुए हैं वन ड्राइव के ऊपर, क्लाउड के ऊपर, ऑफिस 365 के ऊपर, और उनके अंदर तस्वीरें हैं, तो सबको फाइंड कर लेगा कि मैं अगर क्लिक करूंगा पिक्चर्स तो उसे पिक्चर्स दिखाएगा हमारे पास। ठीक है, क्लिक करा मैंने इसके ऊपर तो ये इंसर्ट हो जाएगा, और आप देख रहे हैं इंसर्टिंग प्रोसेस में आ रहा है। क्लियर है? तो कितनी जबरदस्त चीज है कि आपने क्लाउड पे काम करा था, और इसका मतलब ये हो गया अगर हमें कोई चीज रीयूजेबल करनी है, किसी चीज को दोबारा से इस्तेमाल करना है अपने करंट डॉक्यूमेंट के अंदर, तो बड़ा ऑप्शन है। इमेजिन करें कि ये तस्वीर कहीं और पड़ी हुई थी, ठीक है, इस तस्वीर को आपने कहीं सेव करा, पता नहीं अपना डॉक्यूमेंट, आपको ये याद है कि डॉक्यूमेंट में तो हमने डाली है, ये नहीं पता कहाँ थी, तो इससे पता चल गया हमारे पास। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर आप ऑल पे चले हैं तो ये ओवरऑल डॉक्यूमेंट दिखाएगा आपको। ठीक है, तो मैं क्लिक करता हूँ पिक्चर और ऑल के ऊपर यहाँ पे आ रहा हूँ, तो मैंने इसको क्लिक करता हूँ, अगेन रीलोड करता हूँ, डॉक्यूमेंट आइटम पे आता हूँ। ठीक है, देखें अभी थोड़ा प्रॉब्लम नेट का आया था, नेट बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि लोडिंग सही तरह से हो जाए। ठीक है, आपके पास क्लिक करते हैं, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। सी, अब वो इमेज नहीं, अब तो टेक्स्ट भी आ गया। तो हुआ क्या कि क्लाउड पे जो चीज़ें सेव हुई थी डॉक्यूमेंट, उनमें से पिक्चर निकालना है, पूरा पूरा डॉक्यूमेंट पेस्ट करना हो, ये हम काम कर सकते हैं इसके ज़रिए। तो देखा ये कितने सारे ऑप्शंस आपके पास एमएस वर्ड ऑनलाइन के अंदर, वर्ड डेस्कटॉप के अंदर हमारे पास मौजूद है। सारी चीज़ें कि टेक्नोलॉजी की और नए वर्जन की आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब चीज़ें क्या हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे रेफरेंस में जाता हूँ, और इसमें आ रहा है रिसर्चर का, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, रिसर्चर, रिसर्चर पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, रिसर्च करना चाहते हैं आप किसी भी चीज़ के बारे में, मालूम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये बने बनाए भी आ रहे हैं हमारे पास, आप टॉपिक डाल भी सकते हैं, और यहाँ पे आपने क्लिक करा सोलर एनर्जी के ऊपर, जैसे जस्ट लाइक ऑनलाइन गूगल, जैसे आपने सर्च इंजन इस्तेमाल करा गूगल का या माइक्रोसॉफ्ट का बिंग, अब आपको अलग से खोलना पड़ता था ब्राउज़र, और ब्राउज़र में सर्च करके डाउनलोड करके फिर यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ता था। अब आप डायरेक्टली जो भी चीज़ चाहते हैं वो आप इंसर्ट कर लें। ठीक है, ये आपके पास सोलर एनर्जी के बारे में टॉपिक्स आ रहे हैं, क्लिक करा आपने कहा कि यहाँ पे इस पर क्लिक कर लो, तो आप देख रहे हैं कि यहीं से आप देख के डिस्कस कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें हैं क्या हमारे पास। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि क्लिक करके पे पढ़ लो, मैंने कहा नहीं आप इसको ऐड कर लो। सी कि ये आपके पास रिसर्च वगैरह आ गया, आप इसको मैं दोबारा से क्लिक पे जाता हूँ, माई रिसर्च सोलर एनर्जी, डिलीट ऑल कर देता हूँ। ओके, अगेन मैं दोबारा फिर इस पर जाता हूँ, मैंने कहा क्लिक, और ये बता भी रहे कहाँ से सोर्स ले गई है। ठीक है, मैंने कहा कि हेल्थ, क्लिक, और मुझे रेफरेंस आई है, मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक, मैंने इसका एक बिब्लियोग्राफी भी बना लिया, एक सोर्स बना लिया कि कहाँ से ले गया। बिब्लियोग्राफी एक सोर्स होती है जो कि हम बना लेते हैं यहाँ पे,
क्लियर है। तो इन शॉर्ट के ये बार बार आपसे बोला था कि बिबलोग्राफी बना लो। बिबलोग्राफी तो सोर्स होती है इन्फॉर्मेशन की, नहीं है या जो आप बना रहे होते हैं कि ये रेफरेंस है हमारे पास। तो हमने यहाँ पे ये सारे काम कर लिए, क्लियर है। तो अब आपके पास इसमें चीज़ें क्या आती है हमारे पास इंपॉर्टेंट, कि आप वर्ड ऑनलाइन क्या है। वर्ड ऑनलाइन एमएस ऑफिस नहीं है। वर्ड ऑनलाइन किससे आ रहा होता है, आप वैसे भी अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी नहीं है ज़रूरत नहीं है कि ऑफिस 365 भी हो। आप अलग से मोबाइल के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर, आईफोन के अंदर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ फ़ोन के अंदर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इंडिविजुअली। आप अलग से ऑफिस 365 के ज़रिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के ज़रिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑनलाइन के अलावा जो ऑफिस 65 का डेस्कटॉप वर्जन है, जो कि हमने देखा कि फ़ीचर्स क्या है। इन शॉर्ट के हमने फ़ीचर्स को डिस्कस करा कि इसके फ़ीचर्स क्या होते हैं। क्लियर है।